हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज आई के अभिषेक। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नॉलेज आई के अभिषेक में। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि टाटा स्टील का जो पेपर है वो 10 से लेकर 27 तक चलने वाला है, लेकिन कुछ को अब भी ये बात पता नहीं है, कुछ को मैसेज नहीं आया, तो वो मुझसे कमेंट में लिख रहे हैं कि सर क्या पेपर 10 से लेकर 20 तक ही है? तो 20 तक है तो हमारा अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं है? अब तो सर 16 हो गई, अब तो 15 हो गई, अब तो ये डेट हो गई, वो डेट हो गई। बहुत मेरे पास इसी तरीके के मैसेज लगातार भेजे जा रहे हैं। तो भाई क्या देना चाहता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले, जिसके पास मैसेज नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पेपर की डेट है उनके लिए 20 है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैसेज चाहे एक के पास आए चाहे 10 के पास आए, उस पर डिपेंड नहीं करता ये। इसका मीन्स ये है कि पेपर जो है आपका 10 से 27 तक शिफ्ट हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरी बात, जिनका अभी भी एडमिट कार्ड नहीं आया उनके लिए मैं बता देता हूँ, जिनका अभी भी एडमिट कार्ड आया है घबराए मैं नहीं, अभी पेपर 27 तक चलेगा। आपका एडमिट कार्ड में भी 18 में, 17 में, 16 में, 15 में कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, किसी भी तरीके की आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 100% आपका एडमिट कार्ड आएगा अगर आपने फॉर्म सही से फिल किया होगा, पेमेंट सही से फिल किया होगा तभी, ठीक है। और बाकी आपको बता देता हूँ, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके पास 1% भी। आपका 100% 18, 19 और 22 तक तो सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा, किसी का नहीं बचेगा एडमिट कार्ड। और बाकी मोस्टली सभी जगह का एडमिट कार्ड लगभग आने वाला है। और कुछ इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पेपर से भी बता देता हूँ, एडमिट कार्ड से रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया कि एडमिट कार्ड सबका आएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले। भले ही हो सकता है आपका 18 में आए, 15 में आए, 15 तो 16 में आए, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 22 तक भी आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं है। और बाकी एग्जाम पेपर से रिलेटेड आपको बता देता हूँ, एग्जाम पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात ये कि फ्रेंड्स, जो दिल्ली में कुछ स्टूडेंट पेपर देने गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया जीएल बजाज नाम का एक कॉलेज है दिल्ली में, और आपका एक दिल्ली में क्या नाम है, एक सेंटर पड़ता है आपका MIIT कॉलेज में। तो बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए वहां 500 बच्चों का पेपर है, तो वहां पर अटेंडेंस अप्रोक्स 40% के आसपास है, 40 या 30% ही मान लीजिए कि अटेंडेंस वहां पर बहुत कम है, अप्रोक्स अटेंडेंस केवल 30% के आसपास वहां पर अटेंडेंस है। और मान के चलिए अगर वहां पे 1000 बच्चे आ रहे हैं, तो केवल 300 बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, जो अभी तक का एक जो पूरा शेड्यूल निकला है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि ज्यादा, देखिए आपको एक बात और इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि अगर बच्चे कम भी आ रहे हैं या स्टूडेंट्स कम भी आ रहे हैं पेपर देने, मान लीजिए 1000 में से 300 आ रहे हैं, तो ये आप समझ के चलिए 1000 में से 300 वो आ रहे हैं जो पढ़ के जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थी, वो जा रहे हैं जो पढ़ के जा रहे हैं। जो भीड़ है ना, जो एक देखिए पेपर कंपटीशन के अंदर एक भीड़ होती है और एक स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते हैं, तो भीड़ नहीं जा रही है, मतलब भीड़ नहीं जा रही है, उन्हें समझ में आ गया कि हमें कुछ आता नहीं है, हम ना जाएं। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट कम होने से आपको फर्क नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है कि कम स्टूडेंट आ रहे हैं तो आप सोच रहे हैं अब तो सर बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बच्चे आ रहे हैं जिनका, मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और जो अच्छे से फाइट करने वाले हैं कंपटीशन के अंदर। तो ये फ्रेंड्स एक छोटी सी आपको मुझे एग्जाम पेपर और उससे रिलेटेड एक क्वेरी थी, बतानी थी। बाकी जिसके भी एडमिट कार्ड नहीं आए उनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात आपके लिए नहीं आएगी। और बाकी क्या नाम है, जो भी वीडियो नहीं देखी है, जो लोग नए चैनल की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, जो भी करंट इंडस्ट्री टाइम नहीं देखी है, 10 वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वो आराम से आप 10-10 मिनट की वीडियो वो लोग देख लीजिए, वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेपर से रिलेटेड तो मैं इससे पहले बना चुका हूँ कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है, और कोशिश यही कर रहा हूँ कि अब मैं एक वीडियो आपके लिए कल या आज रात तक आपको एक वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी करंट इंडस्ट्री ट्रेंड और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो दे दूं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। मैं अभिषेक अभी आपसे विदा लेता हूं, आता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।